तो लोग संभाल करके रखते हैं, ये अपने स्नेह की निशानी है। और तुमने जो कोई कभी दे नहीं सकता है, उस निशानी को तुम इसको खेवट के लिए दे रहे हो। तो वह सीता क्या कहती है, हे स्वामी, यह स्नेह वात्सल की निशानी, आप तो मेरे साथ ही हो, मुझे इसकी क्या जरूरत है। स्वामी, आप ही मेरे स्वामी हो, मेरा सारा जीवन आपके लिए है, मुझे कुछ नहीं, बस आपकी खुशी ही, आपकी प्रसन्नता ही मेरी हर प्रसन्नता का कारण है। धन्यवाद सीता। हे स्वामी, आपकी प्रसन्नता मेरी हर प्रसन्नता का कारण है, आप खुश हो तो मैं खुश हूं, मैं बस इतना कहती हूं, मैं आपको किसी के सामने नीचा नहीं देखने दूंगी, हीन भावना नहीं आने दूंगी। ये अंगूठी किस काम की, जब आप ही मेरे स्वामी, मेरे स्वामी मेरे पास है, तो मेरे पास सब कुछ है। भवात्माओं वे धाम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे सीता, धन्य तुम्हारे समर्पण को, धन्य तुम्हारी भक्ति को। तो बंधुओं कहने का तात्पर्य, अब राम जैसे ही नदी के किनारे लगते हैं, उस केवट को बुला के सबसे पहले वह अंगूठी देते हैं कि लो। तो वह केवट कहता है, हे स्वामी क्षमा करना, जैसी दशरथ की बेटी ऐसी मेरी बेटी है, मैं उसकी यह निशानी नहीं ले सकता हूं, मैंने कितने लोगों को नदी से पार कराया है, तो क्या ये मेरी बेटी है कि मैं अपनी बेटी की निशानी वो मैं लू। मैं नहीं स्वामी, अगर आपको मुझे पुरुषार्थ की कमाई देना है, जो मैंने मेहनत की है, उस मेहनत की कमाई देना है, तो इतना देना स्वामी कि मैंने आपको नदी से पार कराया है, हे स्वामी मुझे आप इस संसार से पार करा देना, और इसके अलावा कुछ नहीं। धन्य बंधु, ऐसी भक्ति बिरले लोग भक्त होते हैं। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो देव सात गुरु का भक्त होता है, वह कभी भी भगवान के सामने कभी मांगता नहीं है। गुरु के पास जाते हैं, कभी मांगते नहीं है। जिन वाणी के पास स्वाध्याय करते हैं, कोई आकांक्षा लेकर के नहीं। इसलिए बंधुओं, उस कम से कम उसके वटिया के समान बनना, उसके वट के समान बनना। कभी भी भगवान के सामने जाओ बंधुओं, कभी ऐसा हो सकता है क्या, भगवान के सामने जाकर के वो तुम्हें कुछ मिले ना, ये असंभव है। एक व्यक्ति, उसको अगर बुखार आदि है, गर्मी लग रही है, और शीतल बाल्टी में पानी में शीतल पानी भरा हुआ है उस बाल्टी में, और वह बाल्टी में पानी भरा है, उस बाल्टी से पानी को देख देख करके वह व्यक्ति कह रहा है कि भगवान, हे जल मेरे को शीतल कर दो, हे जल मुझे शीतल कर दो, मुझे बहुत दाय, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बेचैन हूं मैं गर्मी से, हे जल मुझे शीतल कर देना, मुझे शीतल कर दो, मुझे शीतल कर दो। ओम जी, आप उसको क्या कहोगे कि कैसा मूर्ख है, अरे पानी से कह रहा है कि मुझे शीतल कर दो, अरे तो वह पानी डालेगा तो पानी जैसे ही डालेगा वह तो वैसे ही शीतल हो जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है, बोलो धीरे से बोल रहे हो, शीतल है, यानी पानी का स्वभाव शीतल है, तो जब वह नहाएगा तो वैसे ही उसका शरीर शीतल हो जाएगा। ऐसे ही भवात्मा, तुम भगवान के सामने पहुंचे हो, भगवान के सामने पहुंचे हो, छाया में पहुंच गए हो, तो वह छाया छाया क्या कह रहे हो कि मुझे शीतल, भगवान के सामने तो वैसे ही शांति मिल जाती है। पूछो सुधा जी से, मिलती कि नहीं, बताओ आप ही लोग बताओ, सुधा क्या सब लोग बताओ, महिलाएं में भगवान के सामने जाकर के शांति मिलती कि नहीं मिलती,
मिलती है ना बिन मांगे सब कुछ। ऐसा लगता है नेमिनाथ भगवान के चरणों में आ गए। उनके जैसे ही अपन उनको दृष्टि से देखते हैं इतना आनंदित हो जाते हैं। और फिर भी कोई सामने खड़ा हो, भगवान मुझे आनंद दे दो, भगवान मुझे शांति दे दो, भगवान तो वह कहेगा कैसा मूर्ख है कोई कहेगा। भगवान के सामने आकर के उस छाया में बैठ करके भी कहता है कि छाया मिल जाए, छाया मिल जाए। बंधु यही स्थिति मनुष्य की है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कभी भी भगवान के सामने जाते हो कभी भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम तो कहते हैं देव गुरु समय भक्ता, सच्चे भक्त बन जाओ। बहुत अच्छी गाथा है, इतने सुंदर इसमें रहस्य भरा है। कहते हैं कि बस तुम तो सच्चे भक्त बन जाओ और संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाओ, सच्चा सुख मिलने वाला है। अब तुम सोचो कि ट्रेन में चढ़ भी जाए, और चढ़ गए तो उतरना ना पड़े, उतर गए तो चढ़ना ना पड़े। नहीं, चढ़ना भी पड़ेगा उतरना भी पड़ेगा। तुमको सोचो कि हम भोगते भी रहे और मोक्ष भी मिल जाए। बहुत सारे लोग होते नहीं हमें संसार से मोक्ष हो जाएगा, हम तो घर में बैठे मोक्ष। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ओस के मकान में बैठे हो, ओस के मकान में बैठे हो, सूरज को चुनौती देते हो और टांगे दोनों टूटी हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो कि भोगों भोग स्थितियों में फंसे हुए हो और मोक्ष की चाह कर रहे हो। मंदिर कभी आना नहीं, भगवान के दर्शन कभी करना नहीं, गुरुओं के समीप कभी आना नहीं, तत्व चर्चा कभी करना नहीं, और कह रहे हैं आहार आदि कभी देना नहीं, जिससे हमारी कर्मों की निद्रा हो रही है। वह हमारे पास समय नहीं है भैया, व्यक्ति करने का समय नहीं होता है, गुरुओं के पास जाने के लिए दर्शन करने के लिए समय नहीं होता है, और हम सीधे मोक्ष चले जाएंगे, हमको इतना विश्वास है। तो वही है कि टांगे दोनों टूटी, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। भवभात्माओं अपने जीवन में आचार्य महाराज कहते इन भोगों से विरक्ति, संसार शरीर से विरक्ति हो, भोगों से विरक्ति होगी। और कहते रत्न संयुक्ता और रत्नत्रय से संयुक्त हो जाओ, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करो। जितना आप अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करेंगे उतना सुख आपके पास आ जाएगा। आपको सुख के पास नहीं जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, सुख तुम्हारे पास स्वयं चल करके आएगा, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने देव सास गुरु पर अटूट श्रद्धा रखना, सच्चे भक्त बने रहना, उनकी सेवा करना। कहते हैं उस सेवा का ही फल है बंधु, आज जो भी दौलत तुम्हारे पास है ना, वह सब संतों की ही बदौलत है, ध्यान रख। जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति दिख रही है वह सब संतों की ही बदौलत है, इनकी सेवा का ही फल है। जितना आप इन देव सास गुरु की अपने गुरु की सेवा करोगे, सच्चे भक्त बनोगे, लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ से कभी जा नहीं सकती है। और तुम इनसे दूर रहोगे और सोचोगे कि लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, तो जहाँ धर्म होता है वहीं लक्ष्मी का वास हुआ करता है, और जहाँ लक्ष्मी धन नहीं धर्म नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। अपनी छोटी बहन दरिद्री को छोड़ जाती है। इसलिए बंधु हमें अपने जीवन में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि रत्नत्रय से संयुक्त होकर के अगर करेंगे तब हम सच्चे सुख को प्राप्त, उस अलौकिक सुख को जिसके बाद कभी दुख होना ही नहीं है, दुख का नामो निशान ही नहीं है, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती, इतना ही सो करना है। और इस भाव में नहीं कर पाए तो कहां जाओगे। अगर मनुष्य दूरी है तुम्हें यह मनुष्य पर्याय तुम्हारा मिलेगी,
जरूरी है क्या तुम्हें मनुष्य मर्यादी मिल गई तो तुम्हें जैन कुल मिल जाएगा क्या? जैन कुल भी हो सकता है मिल जाए तो, जरूरी है तुम्हें देवसास गुरु का शरण मिल जाएगा। बहुत से लोग जैन हैं, जैन कुल में जन्म ले लिया, कहते हैं बरसों बरसों भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। ऐसे गांव में डले हैं जहां पर भगवान ही नहीं है, दर्शन मंदिर ही नहीं है। जब मंदिर नहीं है तो गुरु का तो छोड़ो, उनके भाव भी नहीं होते कि कभी हम दर्शन कराएं, कभी हम भगवान की अष्टमी चतुर्दशी है तो बंधु हर किसी के भाव अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं जब भाव तुम्हारे अच्छे हो उसी समय अच्छा कार्य कर लेना, कल के ऊपर कभी मत डालना। आज हमारे भाव हुए हैं कि आज हमारे नगर में साधु हैं, हमको आहार आदि देना है, हमको उनकी सेवा करना है, उनकी वैया व्यक्ति करना है। बंधो इसी से ही सब निरोगी काया मिलती है, भैया वृत्ति जितना करोगे उतनी निरोगी काया मिलती है। तो उनकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझना, क्योंकि हर समय हम कहते कितना भी बड़ा आदमी हो, इतना दुनिया में आज तक इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ, इतने बड़े राजा सेठ नहीं हुए कि जो बीते हुए समय को वापिस खरीद सके। खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। ओ आज तक इतना कोई गरीब भी नहीं हुआ कि अपने आने वाले समय को संभाल ना सके। इसलिए तुमको राह दिखा दी कि सच्चे भक्त बन जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस भगवान के सामने जाकर के कुछ मांगना नहीं है, भगवान के सामने अपना बिल्कुल समर्पण कर देना कि बस भगवान मैं तो आपके सामने आ गया, अब मैं तुमसे क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं मांगना, तभी सच्चे भक्त कहलाओगे। भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की जॉब लग जाए, मेरे बेटे की सर्विस लग जाए, भगवान मेरा ऐसा काम कर दो, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। तुम सच्चे भक्त हो ही नहीं सकते, तुम तो भिखारी हो। बुरा लगे लग जाने तो कोई बात नहीं, बुरा लगे बुरा खा लेना, लेकिन तुम सच्चे भक्त नहीं हो। जब तुमको बिन मांगे माफी मिले, मांगे मिले ना भीख, जब बिन मांगे सब कुछ मिलता है तो तुमको मांग करके क्या करना। अरे तुम तो बस भगवान से इतना कहना, वैसे भी मुझे लगता है घाटी वाले सच्चे भक्त बन गए हैं ना कि नहीं बने? हाथ उठाओ कौन लोग भक्त बने, सच्चे भक्त। अरे वो सब बने हैं, शर्म के कारण नहीं उठा रहे। अरे उठाओ अच्छे दिल को उठा, हाँ कि हम सच्चे भक्त हैं। बहुत बड़ी, जब सच्चे भक्त हो जाते हो तो बस भगवान के सामने इतना ही कहना, मेरी दुनिया तुम्हें ही हो, दुनिया से क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता फिर बोले के क्या मांगो, मेरी दुनिया तुम्हें ही हो, दुनिया से क्या मांगो। बोला भगवान सब कुछ मिल गया, मैंने भक्ति जो की है स्वार्थ के लिए नहीं की, और राम की भक्ति हनुमान ने की थी। राम ने कहा था, हनुमान तुमने मेरी इतनी भक्ति की, मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, तो कुछ तो मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से पूर्ण होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, ऋण से कर्ज नहीं रखना चाहता हूँ, मांगो हनुमान। तो हनुमान ने कहा था, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। राम कहते मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी तुम कैसे भक्त कह रहे हो मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु? नहीं हनुमान, तुमको कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। हनुमान कहते हैं प्रभु क्षमा करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था वह प्रभु मुझे मिल गया है, जब बिन मांगे सब कुछ मिल गया है प्रभु, अब मांग के मैं क्या करूं? फिर भी राम कहते हैं कि नहीं मांगना पड़ेगा। ओ आज आप भक्त होते,
हाँ ठीक कह रहे हो गुरुजी, अब मांगता हूँ। हम यही सोच रहे थे कि अपने मुंह से कहोगे तब मांगूंगा, ऐसा ही है ना, आज के वक्त होते अनमोल। हाँ सही कहा गुरु महाराज, हम सोच रहे थे काफी दिन से मांगे, लेकिन मांगा नहीं था, सच्चे भक्त नहीं। तो बंधु हनुमान से कहा कि भैया हनुमान, राम कहते कोई पद मांग लो, अगर कोई धन दौलत मांगना है वह मांग लो, पद आदि मांग लो, जो तुम्हें पद चाहिए मैं वो पद दे सकता हूँ। हाथ जोड़ लिए, भगवान मुझे कोई पद नहीं, जिसके बाद भूत बनना वह पद क्यों चाहिए। जब मंत्री होते हो, अध्यक्ष होते हो, कोषाध्यक्ष होते हो, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद दूसरी टीम आती है, तो उसके तुम्हारे पीछे क्या लग जाएगा, महावीर जी अभी क्या हो, कोषाध्यक्ष है, और जब रिटायरमेंट हो गए फिर क्या कहोगे, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष है, ये भूतपूर्व अध्यक्ष है, ये भूतपूर्व मंत्री है, यानी भूत जिसके बाद भूत लगना पड़े भगवान मुझे वो पढ़नी चाहिए। आज तक कभी सुना है, वे कहते हैं भगवान मुझे अभूत, भूत नहीं अभूत पद चाहिए, कभी आज तक सुना है, भूतपूर्व शांति सागर है, ये भूतपूर्व ज्ञान सागर है, ये भूतपूर्व विमल सागर है, सुना कभी नहीं सुना। तो ऐसा पद कि जिसके बाद भूत ना बनना पड़े, प्रभु मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप कह रहे हो, आप आदेश दे रहे हो, तो भगवान मैं मांग रहा हूं, लेकिन शर्त है देना पड़ेगा। भक्त भी एक तो मांगता नहीं है, वो मांगता है तो पहले से ठहरा लेता है, ऐसा नहीं कि ना दो। तुमने कहा कि बोलो हनुमान मैं दूंगा, जब मैं इतना कह रहा हूं, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, तो कहते मैं मांग रहा हूं भगवान देना पड़ेगा। और हनुमान जैसे ही उठते हैं और राम के दोनों पद पकड़ लेते हैं, दोनों चरण पकड़ लेते हैं, भगवान बस मुझे एक पद दो, दो भगवान दो। हनुमान से राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, चरण प्रभु के मिल जाए समझो किस्मत खुल जाए, जाने कब क्या घट जाए, सांसों का धन खो जाए, प्रभुवर की भक्ति हो प्रभुवर की भक्ति, भगवान बनाए रे, गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। तो बंधुओं, राम ने जैसे हनुमान से कहा तुमने सब कुछ मांग लिया, ऐसे ही भवात्माओं घाटी वासियों कभी भी मत मांगना, भगवान के देव सास गुरु के सामने जाना, तो बस सच्चे भक्त बन जाना। और सच्चे भक्त की पहचान यही है कि वह सच्चा भक्त कभी भी भगवान से मांगता नहीं है। तब अगर तुम्हारी मांग चल रही, सामने वाला तुमको समझे या ना समझे, लेकिन तुम सच्चे मायने में सच्चे भक्त नहीं हो। इसलिए सच्चे भक्त बने, देव सास गुरु के भक्त बनना है, हमें संसार शरीर भोगों से विरक्त रहना है, और हमें रत्नत्रय से संयुक्त रहना है, तब हमें जाकर के सच्चा मुख सुख मिलेगा। समय अपना पूरा हुआ, जय बोलिए महावीर भगवान की।